हेलो अग्रू एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। तो हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर अग्रू स्कूल एग्जाम होगा क्लास 3 के एडमिशन के लिए, उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। सो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंसर्ट द मिसिंग नंबर फॉर एडिशन। देखिए, जो इंसर्ट द मिसिंग नंबर का जो टॉपिक है, इसमें दो कैटेगरी बनती हैं। आपको जैसे कि पता है कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के अंदर एक तो सिंपल एडिशन सिंपल सब्ट्रैक्शन होती है, और एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें कैरी ओवर करके जाता है। एडिशन में भी कैरी ओवर चलता है और सब्ट्रैक्शन में भी कैरी ओवर चलता है। ठीक है। तो इन द सेम मैनर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। जैसे हमारे पास टॉपिक है इंसर्ट द मिसिंग नंबर, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम एडिशन का टॉपिक किया था, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से आता है। फाइव फोर डैश थ्री और आपने प्लस किया और यहां पे बना डैश और यहां पे बना 9, कुछ इस टाइप का मान के चलो। ठीक है। कि एडिशन का क्वेश्चन है, आपसे बोला कि यहां पे ऊपर 54 लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे डैश और 3 है, यहाँ पे 9 और डैश है, तो क्या आंसर आएगा? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है? विदाउट कैरी ओवर की। ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी है? विदाउट कैरी ओवर। क्योंकि आपको पता है कि 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, 5 प्लस 4 9 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई भी आपका कैरी ओवर का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और याद रखिए, ऑग्रो स्कूल एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो आपको ये मान के चलना है कि अगर इंसर्ट द मिसिंग नंबर का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो ये कैटेगरी तो नहीं आएगी विदाउट कैरी ओवर वाली। ठीक है। जो एडिशन के मैंने आपको द डे ऑफ बिफोर यस्टरडे मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, टॉपिक कराए थे, तो उसमें आपके पास क्या थे? मैंने कैरी ओवर के क्वेश्चन कराए थे। ठीक है। कुछ मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, हो सकता है आपने किए भी हो। सो जो बच्चे कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और मैं आपको यही क्लियर कहना चाह रहा हूँ कि जो कैरी ओवर के क्वेश्चन है वो आपके पास आएंगे, जैसे कि मैंने प्रैक्टिस किया कराया था। मैंने आपको लास्ट टाइम जो प्रैक्टिस कराई थी वो मैंने कराई थी एडिशन की, आज हम प्रैक्टिस करेंगे सब्ट्रैक्शन की। आज हम प्रैक्टिस किसकी करेंगे? सब्ट्रैक्शन की। ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। और सब्ट्रैक्शन में भी ये मान के चलिए कि अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो वो भी कैरी ओवर का ही आएगा। ठीक है। विदाउट कैरी ओवर का तो वो क्वेश्चन भी नहीं आएगा सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं इंसर्ट द मिसिंग नंबर में। फर्स्ट क्वेश्चन है 8-3-4-1-5-8, इसको माइनस किया तो माइनस करने का आंसर आया 6-5-6-6। ठीक है। आपको बताना है कि जो आपके पास ये ब्लैंक स्पेस है इसमें क्या फिल करना है। देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होती है, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होती है कि ये 4 जो है इससे 1 कैरी ओवर करेगा। ठीक है। इससे जब 1 कैरी ओवर किया तो इसका बन गया 14, इसका क्या बन गया? 14। तो 14 से माइनस किया 8 तो बना 6। ठीक है। यहां तक हो गया ठीक। 14 से 8 माइनस किया बन गया 6। अब जो 3 था, ठीक है, इस 3 ने इसको 1 किया तो इसका बन गया 2, इसका बन गया 2। अब देखिए, यहां पर 2 है, यहां पर 6 है। आप कुछ इस तरह से मान के चलो, यहां 2 है, यहां डैश है, यहां 6 है। ऑब्वियस है कि 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऑब्वियस है कि 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा? कैरी ओवर लेना पड़ेगा। इस 2 को क्या करना पड़ेगा? कैरी ओवर करना पड़ेगा। ये कैरी ओवर किससे करेगा? इस ब्लैंक से करेगा। ठीक है। इस पे भी हम आएंगे। तो इससे इसने 1 कैरी ओवर कर लिया। जो ये 1 कैरी ओवर करना, इसका मतलब कलर अलग दे देता हूं, इसको मैं रेड कलर दे देता हूं। इन्होंने यहां से 1 कैरी ओवर किया और इसने यहां से 1 कैरी ओवर किया। जो ये रेड कलर का, ये कैरी ओवर का बन गया। ठीक है। तो यहां से इसने 1 कैरी ओवर किया, यहां बन गया 12। ठीक है। तो अगर यहां पे 12 है तो 12-6 आपका बनेगा 6। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका आंसर? यहां पे आ जाएगा 6। पहली बात, पहली बात कि यहां पे क्या आंसर आएगा आपका? 6 आएगा। आप देखिए, इसमें जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंगली अपना रूल बनाते जाते। रूल क्या है? पहला रूल जो है वो
वो ये है कि अगर यहां पे एक नंबर लिखा है, यहां पर डैश है और यहां पर सिक्स है, तो इस केस में देखिए आपका जो ये वाला नंबर है ये इससे लेस है, ये वाला नंबर इससे लेस है, इसको ग्रेटर होना पड़ेगा ऑब्वियसली, इसको इससे ग्रेटर होना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन के लिए। सो 2-6 तो पॉसिबल है नहीं, 2-6 तो पॉसिबल है नहीं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, 2 को कैरी ओवर करना पड़ेगा एंड इट विल बिकम 12-6 = 6। इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, पहला रूल आपका ये बनेगा, क्लियर, कि इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 आपका 6 से लेस था तो आपने 2 कैरी ओवर किया और 2 का बनाया 12। अगर यहीं पर ही ये 2 6 से लेस ना होता, इस केस में क्या था, 2 was less than 6, तो 2 6 से लेस था तो 12-6 आपका 6 बन गया। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि डैश कहां पे आता, अगर ये पार्ट यहां पे होता, 6 यहां पर है, यहां पर डैश है, यहां पे 2 है, सब्ट्रैक्शन का केस है, देखो डैश अब पहले भी नहीं था, डैश अब भी यही है, ठीक है, डैश दोनों जगह सेम है, तो इसमें क्योंकि 2 6 से लेस था तो 2 ने कैरी ओवर किया तो 2 का बना 12-6 हमने 6 किया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वही हमें यहां पे लिखना है। इस केस में देखिए अगेन इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अब यहां पर 6 2 से ग्रेटर है, यहां पे 2 6 से लेस है, 6 2 से ग्रेटर है, तो इसमें कैरी ओवर नहीं करना है, इसमें कैरी ओवर नहीं करना है, तो 6 जो है यहां पे 2 से ग्रेटर है, तो ये डायरेक्ट आपका सब्ट्रैक्ट होके 4 बन जाएगा, तो यहां पे आप लिख देंगे 4, यहां पे आप लिख देंगे 6। बात क्लियर हुई, मैं दोबारा रिपीट कराता हूं इस बात को, कि जब आपके पास यहां पर डैश है और ये दो नंबर गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, यहां पर डैश है, तो आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, अगर ये वैल्यू इससे लेस है तो इसे कैरी ओवर कराओ तो 2 का बनेगा 12-6, अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करा दो बिना कैरी ओवर लिए, ठीक है, पहले ये आप एक दो रूल लिखो फिर मैं आपको आगे करवा। चलिए इसके बाद देखिए, तो मतलब हम यहाँ पे जो ये रूल था जो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे डैश लगा हुआ था, तो ये डैश वाला रूल कौन सा लग गया, ये वाला रूल बन गया जिसमें यहाँ पे डैश था, तो हमने ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करा। अब इधर आओ, इधर देखिए कहाँ पर है, इधर आपका डैश ऊपर है, पहले यहाँ पे डैश नीचे था, यहाँ पे डैश ऊपर है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपका डैश यहाँ पे है और यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं माइनस का कैंसिल, इस बार डैश कहां पे है, यहां पर है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है और जो कैरी ओवर दिया है उसको भी ऐड करना है, अगर कैरी ओवर दिया है तो, अगर कैरी ओवर नहीं दिया तो ऐड नहीं करना है, अगर कैरी ओवर दिया है तो उसको भी ऐड करना है। मान लो इस केस में यहां से 1 कैरी ओवर गया हुआ, तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, फिर आपका बन जाएगा 5+5+1 = 11। ये 1 कौन सा है, ये 1 आपका कैरी ओवर वाला, रूल्स ध्यान से पढ़ना, ये 1 कौन सा है, ये 1 आपका कैरी ओवर वाला है, तो 5+5 = 10 और 10 का हमने 1 कैरी ओवर करा दिया, तो जो कैरी ओवर कराया है वो भी आपका ऐड होगा, ये 1 कौन सा है, ये 1 कैरी ओवर वाला है। अगर इसमें ही आपकी एक कैटेगरी और बन जाती है, कैटेगरी कौन सी बनती है इस केस में, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, अगर यहां पर डैश है और एक मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूं, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है और विदाउट कैरी ओवर का केस है, ठीक है, विदाउट कैरी ओवर का केस है, इसमें क्या था, इसमें आपके पास ये 2 नंबर थे, इसमें भी ये 2 नंबर हैं, यहां पर भी डैश था, इसमें यहां पर डैश था,
बट यहां वन कैरी ओवर था, यहां पे वन कैरी ओवर नहीं है। तो अगर वन कैरी ओवर नहीं है तो जो आपने वन कैरी ओवर एड किया था वो एड नहीं होगा। इस केस में आपका जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे इन द सेम मैनर, ये दोनों नंबर भी ऐड हो जाएंगे और आपका बन जाएगा 3 + 2 = 5। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 5 5 - 2 = 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 + 5 = 10 और 1 आपने कैरी ओवर दिया तो उसका क्या बन जाएगा 11। क्या बन जाएगा 11। तो यहाँ पे 11 नहीं लिखना, यहाँ पे 11 की वंस डिजिट आएगी 1, यहाँ पे क्या आएगा 1। आपका काम यहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि ये जो 1 है ये इस 8 से 1 कैरी ओवर करके 11 बनेगा, इस 8 का बनेगा 7, इस 8 का क्या बनेगा 7 और 7 माइनस में आपका 6 बन जाएगा। आई बात समझ में? मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पे नंबर 11 की वजह से वंस डिजिट जो है 1 आ गया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 6। तो इस तरह से थोड़ा सब्ट्रैक्शन को समझना मुश्किल है और वो भी खास तौर पे जो कैरी ओवर वाले क्वेश्चन है उनको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इस पे आपको टाइम ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू एडिशन। एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन में आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा इंसर्ट द मिसिंग नंबर के केसेस में। जितने मैं आपको ये रूल्स करवा रहा हूँ इन रूल्स को फॉलो करते जाना, ये देखना कि डैश कहाँ पर था, पहले हमारा डैश यहाँ पर था, ठीक है, एक में हमने ये नंबर लेस लिया, एक में नंबर हमने ग्रेटर लिया, अगले में डैश हमने शिफ्ट कर दिया, एक यहाँ चला गया एक यहाँ चला गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डैश आपका इसी में ही आपका घूमता रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आंसर्स में अगर यहाँ पे नहीं लिख रहा इसके लिए आप वीडियो सुन लेना क्योंकि मैं आपको सुना के आंसर बता दूंगा। यहाँ पे 6 आएगा, क्यों आएगा वो भी मैंने बता दिया, 12 - 6 = 6 बनेगा। यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 + 5 = 10 10 + 11 11 का यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 यहाँ 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है -4 - 1 - 2 - 7 - 4 सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा है 2 7 6 7, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले 1 है, 1 में से 4 लेस हो सकता है बेटा, वैसे ही कैरी ओवर करें, ठीक है। इसमें से क्या किया, कैरी ओवर कर लिया, कैरी ओवर के लिए मैं रेड कलर यूज कर लेता हूँ, ये 1 जो है ये कैरी ओवर का कर लिया, तो ये बन गया 11 11 - 4 7। अब देखो यहाँ पे डैश है ऊपर है और कैरी ओवर का केस भी है, तो ये कौन सा केस बन गया, ये वाला केस बन गया जिसमें डैश था और 1 कैरी ओवर था। उस केस में आपने क्या किया था, इसको 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 ऐड किया, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इसको 6 और 7 और 1 इन तीनों को ऐड कर देंगे, 6 + 7 13 13 + 1 14 14 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 14 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर ये 4 क्या करेगा, इस सॉरी 14 हाँ ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये 4 जो कट होके यहाँ पे 3 बनेगा क्योंकि इसने 1 कैरी ओवर दिया है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये 3 इससे 1 कट करेगा और यहाँ पे बनेगा कैरी ओवर किया मतलब, तो 4 का बन जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर है 3, यहाँ है डैश, यहाँ है कौन सी कैटेगरी आ गई, ये वाली कैटेगरी आ, ठीक है, जिसमें आपका ये नंबर 7 से लेस। तो जब ये नंबर इससे लेस था तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, आपने 2 का बनाया 12 12 - 6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन द सेम मैनर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 ये इससे 1 कैरी ओवर करेगा, ये क्या करेगा इससे 1 कैरी ओवर करेगा, 1 कैरी ओवर करके यहां बन जाएगा 13, सो 13 - 7 कितना बन जाएगा 6, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा 6, ठीक है, यहां क्या आएगा 6 और यहां क्या आएगा 4, ये 14 का 4 यहां पे आया था और यहां पर आएगा 6। चलिए 13 - 7 कितना बन गया 6। अब यहां पे देखो यहां पे ऊपर डैश है, नीचे दो नंबर दिए हुए हैं, कौन सी कैटेगरी आ गई है, ये वाली कैटेगरी आ गई, दो नंबर दिए हुए हैं, वन आपको कैरी ओवर दिया होगा तो इन तीनों को ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा 2 + 2 = 4 4 + 1 = 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए करने, ठीक है। थोड़ा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।
पर चलते हैं, डैश वन डैश जीरो थ्री फोर फाइव डैश माइनस किया फोर डैश फोर फोर। यह आपका थर्ड कैटेगरी बन, अभी नेक्स्ट कैटेगरी बनेगी जिसमें यहां पर डैश है। अभी तक जो मैंने आपको कराया यहां पर डैश कहीं पर नहीं था, यहां पे सारी सारी वैल्यूज गिवन थी, इस क्वेश्चन में यहां पर डैश है। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे करना है। सबसे पहले जीरो क्या करेगा, जीरो फोर से लेस है तो ये क्या करेगा, कैरी ओवर कराएगा, इसको कैरी ओवर कराया यहां से, तो इस जीरो क्या बन गया, इसका बन गया टेन, इसमें वन क्या किया कैरी ओवर कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया टेन, टेन में से यहां पे अब कौन सी कैटेगरी बनती है, ये कैटेगरी बनी आपकी ये वाली, इसमें क्या किया था, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा 6। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 6, इसका हो गया, यहाँ पे 6 आएगा। अब यहाँ पर आओ, ये देखो ये दो नंबर गिवन है ऊपर डैश, कौन सी कैटेगरी बन गई, ये कैटेगरी बन गई, क्या कैरी ओवर है, हाँ है, यहाँ पर भी कैरी ओवर है, तो इस कैटेगरी में क्या किया हमने, इसको 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 ऐड किया, तो इसमें क्या करेंगे, इसको 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 ऐड कर देंगे, 5 + 4 10 सॉरी 5 + 4 9 9 + 1 10 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या था 6, यहाँ पे क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो 0 था उसने 1 इसको दे दिया, तो इस 0 का क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 9, इसका क्या बन जाएगा 9। ठीक है, तभी तो वो 9 - 5 = 4 बना, 5 + 4 9 9 + 1 10 यहाँ पे 0 लिखा हमने। ठीक है, लेकिन उस 0 ने 1 इसको दिया तो इस 0 क्या बन गया 9। ठीक है, तो 9 - 5 अब इसकी बात चलते हैं, तो ये जो पार्ट है इसका कैरी ओवर खत्म हो चुका। अब यहां पे देखो आपके पास क्या बना, 1 वो कैरी ओवर दिया था तभी तो ये भी 0 बना था, तभी तो ये 10 बना था, है ना, तो इस 1 ने इसको कैरी ओवर दिया तो ये 10 बना, क्योंकि तो यहाँ पे अब आपका क्या आ गया था, यहाँ पर आ गया आपका 0। देखो यहाँ पे आपका 6 बन गया था, यहाँ पे 6 आ गया था, यहाँ पर हमने बोला कि 5 + 4 9 9 + 1 10 देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है, ध्यान से करेंगे इसको, यहाँ पे 0 था। ठीक है, अब इस 0 ने इससे कैरी ओवर लिया, बट इसके बाद था तो इसने किससे लिया, इसने 1 से लिया, तो इस 1 ने इसको कैरी ओवर दिया तो ये 10 बना, और इस 10 का कट के फिर 9 बना। अब कटा क्यों, तो इसने 1 कैरी ओवर दिया था, और इसके पास 1 कहां से आया, इसने यहां से लिया, तो इस 1 का क्या बन गया, इस 1 का भी बन गया 0। अब ये 0 क्या करेगा, ये इससे कैरी ओवर कर लेगा, इससे कैरी ओवर करके क्या बना 1, ये जो कैरी ओवर 1 कराया वो रेड से कर देते हैं 1, इसको मैं कंप्लीट ही करा देता हूँ, वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इसका बन गया 10, 10 - 4 = 6, 10 - 4 कितना बन जाएगा 6। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 कैरी ओवर है, कैटेगरी कौन सी बनी, ये वाली बन गई, तो 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 8। तो जब आप ये काम कर लेंगे ना, तो इसको यही नहीं छोड़ना, ठीक है, जब एग्जाम में आप ये सारा काम आपका रफ वर्क है, ठीक है, ये सारा काम आपका रफ वर्क है, जब आप एग्जाम में उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है, आंसर का जो स्लॉट भी होता है उसमें आप लिखेंगे, तो उसमें आपने कैसे लिखना है, देखो उसमें आपने पहली बात तो सारे क्वेश्चन नंबर जो है वो एलिजिस करते हैं, आपने क्या लिखना है 8 1 0 0 3 4 5 6 सब्ट्रैक्ट किया 4 6 4 4। ठीक है, और जहां पर डैश था उसको अंडरलाइन कर लो, डैश कहां था, यहां पे डैश था, एक आपका यहां पर डैश था, एक आपका यहां पर डैश था, और एक आपका यहां पर। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन की आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें देखो जिन क्वेश्चंस में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कैटेगरी तो आपकी बनती है विदाउट कैरी ओवर वाली, ठीक है, वो बिल्कुल परेशान नहीं करती, एक आती है कैरी ओवर वाली, कैरी ओवर वाली जब ये रूल्स पढ़ लेते हैं तो कैरी ओवर वाली हो जाती है, फिर एक कैटेगरी आती है जीरो वाली, जैसे ये देखो इसमें 2 0 लगातार लगी हुई है, तो ये जो 0 है और कैरी ओवर भी है, ये थोड़ा बच्चे को ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि ये 0 क्या करेगा, इससे कैरी ओवर करेगा, इस बेचारे के पास कुछ नहीं है, ये इससे 1 से लेगा, ठीक है, 1 का फिर 0 बनेगा, वो इससे कैरी ओवर लेगा,
तो इस तरह से जो ये जीरो वाले क्वेश्चन हैं ये ज्यादा परेशान करते हैं और इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रूल्स आपके यही है, क्योंकि देखो इसमें रूल आया था तो इस जैसे रूल में कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्टिंग करना है जैसे आप करते आए। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ ये आपके 4 रूल्स हैं जो मेनली चलेंगे। जब आपको यहाँ पे कहीं पे आ जाए डैश, तब अगर यहाँ पे डैश आ जाए तो ऊपर के 2 नंबर ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा सर जीरो वाला ही करते हैं, जैसे क्वेश्चन है ना जीरो वाला, 2 जीरो थे, जीरो वाला क्वेश्चन करते हैं। में क्या होगा, डैश जीरो डैश जीरो 2 3 7 डैश, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बना 4 डैश 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जीरो है यहाँ पे, 2 है, केस कौन सा बन गया, केस बना ये, तो इसको क्या कराना पड़ेगा, कैरी ओवर कराना पड़ेगा और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। इन द सेम मैनर जीरो जो है ये 1 कैरी ओवर करेगा यहाँ से और फिर बनेगा 10, 10 माइनस 2 बनेगा 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 पहली बार। चलिए अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि इस जीरो ने इससे 1 कैरी ओवर किया, इस जीरो ने इससे 1 कैरी ओवर किया। अब यहां पे 1 कैरी ओवर किया तो केस कौन सा बना, ये 2 नंबर गिवन है ये डैश है, ये 2 नंबर गिवन है ये डैश है, 1 कैरी ओवर है तो 1 भी कैरी ओवर, तो ये क्या बना, 7 प्लस 2 9 9 प्लस 1 10। अगेन 10 का क्या बनेगा, 0 बनेगा, 10 का क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहां पे क्या आएगा, 0, यहां पर क्या आएगा, 8। चलिए देखो यहां पर भी 0 आ गए, यहां पर भी 0 आ गए। इस जीरो ने 1 कैरी ओवर किससे किया, इससे किया। ठीक है, इस जीरो ने 1 कैरी ओवर किससे किया, इससे किया। इसने किससे किया, इससे किया, क्योंकि ये भी जीरो है ये भी जीरो है, किसी के पास कुछ नहीं है तो आपके कहां गए, इसके पास गए। ठीक है, तो कहां जब क्या चल रही है कि इसने इससे 1 कैरी ओवर किया तो इसका बना था 10। ठीक है, और उसमें से भी इसने इसको कैरी ओवर दे दिया। ठीक है ना, तो इसका क्या बना, 10, और फिर वो 10 का काट के क्या बना, 9, और फिर आपका 9 माइनस 7 बना 2। क्लियर, मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करा देता हूं, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं था, यहां पर आपके पास 10 माइनस 8 2 बन गया था, यहां पर तो नंबर आपका 8 ही आएगा। यहां पर कौन सा डिजिट आएगा, यहां पे आपके पास जैसे मैंने इन 3 नंबर को ऐड किया था तो 7 प्लस 2 9 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पे 10 का 0 आएगा। कटिंग करने के बाद जो मर्जी बने, फाइनल आंसर में तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर जीरो ने क्या किया, इससे 1 कैरी ओवर किया और उस जो 10 बना उसमें से 1 इसको दिया, तो 10 का बना फिर 9 और 9 माइनस 7 बना 2। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, क्यों आएगा वो मैंने बता दिया। अब इसके पास गए तो इसके पास तो कुछ नहीं था पहले, इसने इससे लिया था, और क्योंकि क्योंकि इस 10 ने इसको 1 कैरी ओवर करा दिया था तो 10 का बन गया था 9, 10 का क्या बन गया था, 9। तो 9 माइनस 3 कितना बना, 6, 9 माइनस 3 कितना बना, 6। कई बच्चे गलती करेंगे 10 माइनस 3 7 लिख के आएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 9 है, कैसे, क्योंकि तो इसने इसको 1 कैरी ओवर करा, तो यहाँ पे क्या बन गया, 9 माइनस 3 6। देखो यहाँ पे नंबर आपका क्या था, 8, यहाँ पे नंबर क्या था, 0, यहाँ पे नंबर क्या है, 6। चलिए अब यहाँ पे देखो कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे डैश है, नीचे के 2 नंबर दिए हुए, कैटेगरी ये बन रही है, ये कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड रूल है ना ये काफी बार आया, ये दोनों ऐड होंगे और 1 कैरी ओवर है वो भी ऐड होगा, तो इन द सेम मैनर 4 प्लस 2 ये ऐड होंगे और उसमें 1 कैरी ओवर जाएगा, तो 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7, तो यहाँ क्या जाएगा, 7। फिर से मैं नंबर फाइनल आंसर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। जीरो वाले क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करना, जीरो वाला क्वेश्चन हल्का सा कंफ्यूजिंग रहेगा आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है 5 डैश 0 5 3 4 6 डैश, सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर बना 1 7 डैश 6। ठीक है, तो इसमें देखिए
ये पहले ये देखो, ये कौन सा रूल है, ये आपका ये वाला रूल है, ये 5 6 से लेस है, 2 6 से लेस है, तो 2 को कैरी ओवर करा के 12 बनाया, तो 5 ने इससे कैरी ओवर किया। जहां पर भी 0 से कैरी ओवर आ गया ना, वो क्वेश्चन समझ लो इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। तो 0 ने इसको कैरी ओवर दिया, तो ये 5 का क्या बन गया, 5 का बन गया 15, 5 का क्या बन गया 15, ठीक है। अब 15 में से 6 सबट्रैक्ट कराना, ठीक है, तो 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 9, तो यहां पे क्या नंबर आएगा, 9 आएगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया 9। अब यहां पर 10 था, 0 था, ठीक है। अब 0 के पास पहले कुछ नहीं था, जो 1 कैरी ओवर देता, तो 0 ने क्या किया, इससे कैरी ओवर लिया, ठीक है। तो जब इससे कैरी ओवर लिया तो ये क्या बना, इसने कितना कैरी ओवर लिया, 1 कैरी ओवर लेते हैं मैथ में, ठीक है, ये 10 बना, क्लियर। अब देखो 0 था, 5 ने इससे कैरी ओवर करके 0 बना, 0 के पास कुछ था नहीं, इसने इससे कैरी ओवर के 1 लिया, ये 1 लेके बन गया 10, 10 में से इसने 1 5 को दे दिया, तो इस 10 का क्या बना, इस 10 का बन गया 9। यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो 10 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करते जब कैरी ओवर दिया जाता है उसके बाद, ठीक है। सो 9 माइनस 6 यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3, यहाँ पे क्या नंबर है, 9, यहाँ पे क्या नंबर है, 3। चलिए अब यहाँ पे ऊपर डैश है, दो नंबर ये वन है, कौन सी कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी, ये दो नंबर को ऐड करेंगे और उसमें वन कैरी ओवर ऐड करा देंगे, तो 7 प्लस इसको 7, 4 और जो वन कैरी ओवर क्या है इसको ऐड कराएंगे, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, तो 12 को यहाँ पे क्या आएगा, 2, 12 को यहाँ पे क्या आएगा, 2। फिर इस 2 ने इससे 1 कैरी ओवर किया, ठीक है, इससे 1 कैरी ओवर किया, तो 5 का क्या बना, 5 का बना 4, और 4 माइनस 3 आपको क्या बना, 1, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज हियर 9 डिजिट विल कम, हियर 3 डिजिट विल कम, हियर 2 डिजिट विल कम, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैरी ओवर वाले जो क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन के वो करने हैं। 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अब करा देता हूँ और 5 क्वेश्चंस की आपको मैं वर्कशीट दे देता हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो भी करने हैं और जो वर्कशीट है वो भी करनी है, और ज्यादा क्वेश्चंस के लिए फिर मैंने आपको बता रखा है कि जो मेरी पेड क्लास है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी उसको आपने ज्वाइन करना है, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। चलिए 5 क्वेश्चंस हो गए, चलो अब हम करते हैं इसकी वर्कशीट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हेल्पली बता देता हूँ और कुछ एक को प्रैक्टिस के लिए कर देता हूँ, बट अगर एक पर्टिकुलर आपको अच्छे से काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो फिर उसके लिए आपको पेड क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मैं करा देता हूँ वर्कशीट, वर्कशीट फॉर होमवर्क, इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 9-2-4-3-7-6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आना चाहिए 5-6-8-, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 6-3-2-5-8-8, माइनस किया 3-5-। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड में है 8-7-2-9-9, इसको माइनस किया 6-0-7-3, ठीक है। इसमें आपको इंसर्ट द मिसिंग नंबर बताना है कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है 5-2-8-8-9, और माइनस करके जो आंसर आएगा वो आएगा 2-1-5, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज
4, 1, 5, -8, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2-5, 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं और 5 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। तो आप सबको जैसे पता ही है कि 1 अप्रैल से मेरा जो पेड क्लासेज है गूगल मीट पे वो स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल चुके हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की PDF भेज दूंगा। आप सबने क्या करना है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद 500 रुपीज जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो मैंने आपको बताई थी कि आपकी एक्चुअल फीस में एडजस्टेबल है, उस फीस को आपने पे करना है। और उसका जो ट्रांजेक्शन ID है और जिस डेट को आपने वो पे किया है वो लिख के उसकी फोटो खींच के वो मुझे वापसी व्हाट्सएप करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो पेड क्लास का मैंने पहले भी बताया कि बेनिफिट ये है कि एक तो बच्चे को डिसिप्लिन लाइफ मिल जाती है, उसको पता है कि इस टाइम पे ये काम करना है तो करना ही है, अदरवाइज क्लास मिस हो जाएगी, ठीक है। और रिकॉर्डेड भी नहीं है, यूट्यूब पे तो चलो रिकॉर्डेड है, बच्चा बाद में भी देख लेगा, गूगल मीट में तो रिकॉर्डेड भी नहीं है। गूगल मीट में तो एक बार क्लास हो गई, दैट्स ओवर, उसको दोबारा से बच्चा देख भी नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने फीस जो रखी है 25,000 रखी है, 15,000 बच्चे को अभी जमा करानी है अप्रैल के लिए, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो जाएगी अगस्त में 10,000 की, 15,000 प्लस 10,000 25,000 ऑन एन एवरेज देखा जाए, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जो 25,000 रुपीज फीस है ये आपकी लास्ट जहां तक बच्चे का वाइवा इंटरव्यू तक की है वहां तक की है, उससे अलग आपको कुछ नहीं लिया जाएगा कि इंटरव्यू का अलग फीस पे करना है, तो ये आपका इंटरव्यू तक का ही जाएगा। और इस तरह से देखा जाए 1 साल की प्रोसेस है, तो 1 साल के हिसाब से अगर 25,000 को आप डिवाइड भी करोगे तो 2,000 पर मंथ आता है, जिसमें हमारी 90 मिनट की क्लास चलेगी, तो ये वर्थ है। कहीं पर भी आप जाओगे तो इतना लेते ही है सब, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सिलेक्ट करना चाहिए, फिर भी चॉइस आपकी है। जो पेरेंट्स यूट्यूब से कंसल्ट करना चाहते हैं यूट्यूब से देख सकते हैं, जिस तरह से मैं आपकी क्लास ले ही रहा हूँ, बट लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते, ना ज्यादा देर की क्लास हो पाती। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हार्डली 30 मिनट की क्लास होती है यूट्यूब की, और उसमें जो हमारा टीचिंग टाइम हमारा ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का है, और 10 मिनट्स का जो टाइम है वो मेरा आप लोगों से बातें करने का। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग जो गूगल मीट है मेरा पेड प्लेटफॉर्म उसको आप प्रेफर करें, अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, जो मेरी वीडियोस हैं उनसे आप जो पहले वीडियोस आई हैं लास्ट ईयर की वो भी देख सकते हैं, और जो भी आती रहेंगी, ऐसा नहीं कि यूट्यूब की वीडियोस बंद होंगी, यूट्यूब की वीडियोस बंद नहीं होंगी, आती रहेंगी, टॉपिक्स आपको पता चलते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर आएंगे हम नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।